everyone is doing great. My name is Ankit and welcome to our YouTube channel, The Palatable Journey, Swad aur Safar. तो आज हम लोग आए हैं सेक्टर 56 की मार्केट दोबारा. पहले हम लोगों ने चावलास पे आए थे, हम लोगों ने कवर किया था, राइट. सो वी हैव बीन लाइक सजेस्टेड बाय मेनी पीपल दैट यू शुड ट्राई अर्बन ढाबा. तो उसी के जस्ट पीछे ही अर्बन ढाबा, राइट. सो आए हैं हम लोग यहाँ पर. तो फैमिली इज़ हेयर टुडे. माय मॉम डैड एक्चुअली स्टेड्स इन जनकपुरी, सो दे आर हेयर टुडे इन गुड़गांव. एंड सो वी थॉट कि लेट्स गो फॉर अ डिनर टुगेदर. हम लोगों ने चार स्टार्टर्स ऑर्डर किए हैं. मटन सीख, चिकन कलमी, फ़िश अजवाइनी टिक्का एंड चिकन काली मिर्च टिक्का. तो हम लोगों ने थोड़ी सी वैरायटी इस बार ही ऑर्डर करी है. लास्ट टाइम हम लोग तीन लोग थे, तो हम लोगों ने दो स्टार्टर्स लिए थे, अमृतसरी और जो हम लोगों ने अफगानी ट्राई किया था. तो इस बार ही फैमिली साथ में है, तो वी थॉट के थोड़ा सा वैरायटी में ऑर्डर करेंगे. और मेन कोर्स में हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सुना है कि लेमन चिकन इज़ वेरी गुड. तो लेमन चिकन हम लोगों ने फुल ऑर्डर किया है विद बोन एंड मुर्ग लबाबदार हम लोगों ने ऑर्डर किया है. मुर्ग लगाबदार हमने बोले बोनलेस ऑर्डर किया और हाफ ऑर्डर किया है, साथ में मीट तरी वाला, ठीक है ना. तो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसी प्रिपरेशन है. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. तो गाइज बहुत ही बढ़िया मार्केट है ये. पहले ये सारा ओपन स्पेस था और अभी यहाँ पे मॉल बन गया है, यू कैन सी. सो मैं एक्चुअली बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि मतलब काफ़ी नीट कर दिया है इस पूरी एरिया का जो लुक है ना. और ऑर्डर हमने दे दिया है लच्छा पराठा, पुदीना पराठा साथ में, और स्टार्टर्स आर गेटिंग रेडी. सो होपफुली बहुत अच्छा खाने को मिलेगा आज, मतलब कुछ डिफरेंट. हम लोगों ने थोड़ा वैरायटी में ऑर्डर किया है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज. स्टे विद अस. चिकन कलमी और मटन सीख है, राइट. इट्स लुकिंग सुपर्ब. ठीक है, तो गाइज स्टार्टर्स आ गए हैं, राइट. तो हम लोगों ने चार स्टार्टर्स ऑर्डर किए थे. तो आई विल जस्ट शो यू द स्टार्टर्स दैट वी हैव ऑर्डर्ड. ये है चिकन गार्लिक टिक्का, चिकन कलमी, मटन सीख, फिश अजवाइनी टिक्का. और ये दिखने में बहुत सुपर्ब लग रहे हैं, वेरी जूसी. कलमी ट्राई करते हैं सबसे पहले. ये देखिए, सी द पीस, इट्स अमेजिंग. थाई पोर्शन है और कलमी में थाई पोर्शन ही यूज़ होता है. तो लुकिंग वेरी सुपर. मक्खन आराम से टूट गया, देखिए पीस, देखिए देखिए, राइट. इसको ट्राई करते हैं. वेरी नाइस, अमेजिंग मैरिनेशन प्रॉपर. सारे मिर्च मसाले सब बढ़िया तरीके से अंदर तक चले गए हैं. एंड इट्स लुकिंग वेरी सुपर एंड इट इज टेस्टिंग अल्टीमेट. ठीक है, नेक्स्ट इज काली मिर्च चिकन टिक्का. ठीक है, अब ये देखिए, इसमें ऊपर से ब्लैक पेपर प्रॉपरली इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और इट्स क्लियरली विजिबल. थाई के पीसेस यूज़ हुए हैं. यूजुअली चिकन टिक्का में कई लोग ब्रेस्ट पीसेस भी यूज़ कर लेते हैं, बट अगर थाई पीस यूज़ किया है तो सब उसकी बात ही अलग है. एंड सी, मैरिनेशन अंदर तक जा चुका है और आराम से मक्खन की तरह टूट रहा है ये, राइट. इसको ट्राई करते हैं. फ्लेवर इज अमेजिंग. एक हल्की हल्की सी ना भीनी भीनी सा टेस्ट आ रहा है ब्लैक पेपर का, क्योंकि काली मिर्च चिकन टिक्का है तो ब्लैक पेपर का फ्लेवर ज़्यादा ओवर पावर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर में थोड़ी सी ज़्यादा मिर्ची हो जाती है. तो इसमें परफेक्टली इट्स ब्लेंड, बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं है. ये ज़रूर ट्राई करें आगे, राइट. तो
कलमी एंड चिकन काली मिर्च टिक्का, ओके रिपोर्ट। ये है फिश अजवाइनी। अच्छा, तो अजवाइनी हमने इसलिए मंगवाई थी क्योंकि इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन, राइट। बासा यूज़ हो रखी है, ट्राई करके देखते हैं इसको। वेरी नाइस। अच्छा, इसमें ना बोनलेस फिश है बासा और टिक्का है, तो ऑब्वियसली थोड़ा मसाला अंदर कम जाता है टिक्के में क्योंकि ऊपर ऊपर से मैरिनेशन होती है। इसमें थोड़ी सी ब्यूटी है कि थोड़ा मसाला ना अंदर तक भी चला गया है, तो इट्स लुकिंग वेरी जूसी। तो अच्छा, अजवाइन, व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज अजवाइन का थोड़ा सा जो फ्लेवर है ना वो ओवर पावर हो रहा है नॉर्मल चिकन टिक्का के हिसाब से, अजवाइनी टिक्के के हिसाब से, क्योंकि अजवाइन ये थोड़ी, ये जो एडिशनल जो हम चिकन टिक्का या फिश टिक्का के अलावा जो हम लोग अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करते हैं, जैसे अचारी टिक्का ऑर्डर करते हैं, अजवाइनी टिक्का ऑर्डर करते हैं, उसके अंदर फ्लेवर जो होता है ना वो थोड़ा सा ना, मतलब व्हाट आई प्रेफर इसके थोड़ा सा ना, मतलब भीना भीना फ्लेवर आना चाहिए, कम कम। ज़्यादा ओवर पावरिंग से ना गड़बड़ हो जाती है, मतलब ज़्यादा ओवर पावर करने से ना थोड़ा सा आपको, मतलब उसकी खुशबू ज़्यादा आएगी, जैसे अजवाइन की इसमें थोड़ी सी खुशबू ज़्यादा आ रही है, अदरवाइज इट इज़ टेस्टिंग वेरी गुड। तो कुछ लोगों को शायद ना पसंद आए कि ज़्यादा अजवाइन का ओवर पावरिंग हो रखी है फ्लेवर की, बट मुझे ये पसंद आया, ठीक है। लास्ट इज मटन सीख। यहाँ पे भाई साहब ने बोला था कि मटन सीख ये खुद बनाते हैं, मतलब दे आर नॉट बाइंग एनी फ्रोजन मटन सीख। तो ये देखिए अच्छे से पक गई है, अंदर कोरिएंडर भी डला हुआ है इसमें, धनिया का यूजेज प्रॉपर है, और ऊपर से अच्छे से पक गई है, जूसी है। ये देखिए ये जूस, इसको ट्राई करते हैं। ये मटन सीख अच्छी है, हम लोग शौकीन है मटन सीख खाने के। इसमें थोड़ा स्पाइसीनेस ज़्यादा है, और भाई साहब ने हमें पहले ही बता दिया था कि थोड़ी सी स्पाइसी होगी मटन सीख, उसके हिसाब से इट्स टेस्टिंग वेरी नाइस। तो स्टार्टर्स की अर्बन ढाबा में ओके रिपोर्ट है। थोड़ा सा अजवाइन का फ्लेवर ओवर पावर हो रहा था फिश टिक्का में, अदरवाइज टू माई पर्सनल चॉइस इट्स टेस्टिंग फंटास्टिक। यहाँ पर आए, ये चार डिशेज ज़रूर ऑर्डर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, मेन कोर्स आ चुका है। ये देखिए, ये लेमन चिकन हम लोगों ने ऑर्डर किया था, ठीक है ना, बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका। ये देखिए, भाई साहब ने हमें बता दिया था कि क्रीमी टेक्सचर होगा काफ़ी। ये है मटन तरी वाला, तो इसमें इन्होंने बोनलेस पीसेस कुछ डाले हैं, चाप का पीस डाला है, जिंजर जूलियंस, अगेन जिंजर जूलियंस हैज़ इम्प्रेस्ड मी। किसी भी नॉर्थ इंडियन डिश के अंदर अगर आप जिंजर जूलियंस और धनिया से गार्निश करते थे तो मन खुश हो जाता है, और मेरा मन खुश हो चुका है। ये है चिकन लबाबदार, धनिया क्रीम और साथ में बोनलेस पीसेस, बहुत ही थिक टेक्सचर में, इट्स लुकिंग सुपर्ब, ठीक है। और साथ में ब्रेड्स, लच्छा पराठा, बटर नान और पुदीना पराठा। तो सब थोड़ा थोड़ा डाल के इसको एक बार ही ट्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये कैसा लग रहा है, टेस्ट खाने में कैसा लग रहा है, और फिर बताते हैं। जो भी खाना हम लोगों ने मंगवाया वो हमने सर्व कर लिया, ठीक है ना, प्लेट में डाल लिया अपनी अपनी। तो लच्छा पराठा विद, सबसे पहले ट्राई करते हैं लेमन चिकन। वाओ, ये तो अल्टीमेट क्रीमी टेक्सचर, अंदर तक मैरिनेटेड, थोड़ा मेरे को ये क्रीम के अंदर मैरिनेशन लग रहा है इसका, क्योंकि भाई साहब ने बोला था कि क्रीमी टेक्सचर है, तो इट्स लुकिंग अमेजिंग, मक्खन तरीके से टूट रहा है। इसको ट्राई करते हैं लच्छा पराठा के साथ। एक्सेप्शनल, मैंने इससे अच्छा लेमन चिकन पहले कभी नहीं खाया। ये मैंने बहुत पहले ट्राई किया था, बट ये दिस द क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड। पहले इतना रिच नहीं होता था, अभी सुपर्ब लग रहा है ये। तो यहाँ पे आ जाओ, लेमन चिकन जरूर ले लेना, एक नंबर। नेक्स्ट इज
चिकन लबाबदार बोनलेस पीस। पहले पीस दिखा देता हूँ, ये देखिए मक्खन आराम से टूट रहा है, ग्रेवी में बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है। भाई साहब अल्टीमेट है ये, एक नंबर। थोड़ा सा स्पाइसी है लेकिन उसमें मज़ा आ रहा है, ग्रीन चिली आ गई है मेरे मुंह में और ग्रेवी बिल्कुल बटरी और क्रीमी एंड बहुत सुपर्ब लग रहा है इसका टेक्सचर। तो लबाबदार तो और लेमन चिकन तो मस्ट ट्राई। अब आ जाते हैं मटन करी पे, तरी वाले मटन पे। इसको हम ट्राई करते हैं बटर नान के साथ। बटर नान देखिए, धनिया से गार्निश कर दिया ऊपर से, धनिया वो लुक एंड फील ही अलग हो जाती है बटर नान की और कलौंजी के साथ। मतलब बहुत मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि बटर नान में, पहले आज से 8-10 साल पहले जो रेस्टोरेंट में लोग कलौंजी यूज़ करते थे बटर नान में, दोबारा से यूज़ करनी शुरू कर दिया, अलग ही फ्लेवर है इसका। ये ट्राई करते हैं तरी वाला मीट पीस, देखिए बोनलेस पीस है, मक्खन की तरह टूटा, उठाते उठाते में टूट गया। तो ये देखिए गोश्त अंदर से रेड बिल्कुल, सीरियस बिल्कुल इतना मस्त गला हुआ है, अल्टीमेट तरीके से गला हुआ है, बहुत बढ़िया गला हुआ है। ग्रेवी खाते हैं, गाड़ी चलावट है कि यूं चलावट है? इसकी बेस्ट बात बताऊं, ये होम स्टाइल है बिल्कुल, जैसे तरी वाला मीट मम्मी बनाती थी ना बचपन में, ये उसी तरीके से बना हुआ है। तो मेन कोर्स तो ओके रिपोर्ट, मेन कोर्स एक नंबर, अरमन ढाबा आए और ये तीन चीज़ें ज़रूर ऑर्डर कर लेना आके। और क्वांटिटी वाइज अगर मैं बताऊं, इसमें 8 पीस फुल में, इसमें हाफ में बोनलेस में 8 पीस और इसमें 4 पीस एक पोर्शन में, साथ में लच्छा पराठा, बटर नान एंड पुदीना पराठा। सबकी शक्लें ज़बरदस्त, बिल्कुल क्रिस्पी हैं सारे, पुदीना भी देख लीजिए, ये देखिए सी द क्रिस्पीनेस, लच्छेदार और ऊपर से पुदीने की जो ऊपर से टॉपिंग, तो एक नंबर ज़बरदस्त। यहाँ आए और ये तीन चीज़ें ज़रूर ट्राई करें, हाईली सजेस्टेड, मज़ेदार, एक नंबर। सो गाइज, वी हैड एन अमेजिंग एंड ऑसम डिनर, अरमन ढाबा आए, सेक्टर 56 की मार्केट, वही सेम हरीश बेकरी के बगल वाली मार्केट। और मेन कोर्स यहाँ का सुपर्ब है, लेमन चिकन, चिकन लबाबदार, मटन करी और साथ में लच्छे पराठे और पुदीना पराठा, ये ज़रूर आकर ट्राई करें यहाँ पे। स्टार्टर्स के अंदर कलमी ट्राई करें और काली मिर्च टिक्का ट्राई करें, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोगों ने जो एक अजवाइनी टिक्का ट्राई किया था, फ़िश अजवाइनी टिक्का, वो ज़रूर ट्राई करें, फ़िश अजवाइनी टिक्का ट्राई करें और साथ में मटन सीख, ठीक है। तो मतलब मज़ा आया मेरे को ओवरऑल, मतलब और कमाल की बात ये है कि कुछ भी नहीं बचा, सब ने सब कुछ खा लिया पूरा का पूरा, ठीक है ना। मतलब वी आर लाइक अराउंड 6 पीपल हेयर और सब ने मतलब मज़े लिए। लेमन चिकन तो अल्टीमेट, लेमन चिकन में जो ग्रीन चिलीज़ का जो फ्लेवर था, जो छोटी छोटी बारीक बारीक ग्रीन चिलीज़ काट के डाली हुई थी उन्होंने अंदर ग्रेवी में, और मैरिनेशन बिल्कुल क्रीमी मैरिनेशन विथ क्रीमी टेक्सचर ऑफ ग्रेवी, वॉज टेस्टिंग सुपर्ब, ठीक है ना। तो आप आइए यहाँ पर और ये 4 चीज़ें ट्राई करें बिल्कुल, ठीक है, इट्स अ मस्ट ट्राई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द पैलेटेबल जर्नी, स्वाद एंड सफ़र। वील कम अप विद मोर वीडियोज़, स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट एंड सी यू लेटर।